आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन कर सुनी बड़े पैमाने पर आए फरियादियों की समस्याएं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे लखनऊ में हो या फिर गोरखपुर, वो लगातार फरियादियों की समस्याएं सुनते हैं, उनके निस्तारण का निर्देश देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर बड़े पैमाने पर आए फरियादियों की समस्याएं सुनी, साथ ही साथ उनके निस्तारण के भी निर्देश दिए। हालांकि इसमें कई फरियादी ऐसे भी थे वो या फिर उनके परिजन जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनको मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से लगातार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी समस्याएं सुनने के बाद स्पष्ट किया कि तत्काल उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराई जाए और जो भी फरियादी आए हैं उनके निस्तारण के बाद उसका फीडबैक भी लिया जाए। कल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि है, इसी को लेकर इनकी जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल झांसी दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि वह झांसी हीरोज ग्राउंड पर पहुंचकर मेजर ध्यानचंद की 25 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा जो वहां पर म्यूजियम बन रहा है उसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा एक जो हॉकी का मैच है उसका भी वह उद्घाटन करेंगे और वहीं से वो लगभग 1900 करोड़ की जो योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर झांसी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह जो भी सड़कों पर गड्ढे हैं, रंग पुताई का भी कार्य चल रहा है और तमाम जो भी नेता हैं उनके द्वारा भारी उत्सुकता देखी जा रही है इस जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर। करीब 1 घंटे का उनका झांसी में कल समय रहेगा रहने का। इस दौरान कई परियोजनाओं को वो यहाँ पर देंगे। इसके अलावा करीब 1 घंटे के बाद वह झांसी के जो दतिया है, दतिया में माँ पीताम्बरा माई के दर्शन के लिए रवाना हो जाएंगे और वहीं से वह लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। लगातार 4 दिन से जो है ज़िले में VIP मूवमेंट चल रहा है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के चलते झांसी में कहीं ना कहीं VIP जो भी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और इसमें भाजपा इस समय अव्वल नंबर पर है और भाजपा आने वाले समय में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। राखी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने राखी को लेकर खासा तैयारी की है। BJP की महिला मोर्चा के अध्यक्ष की ओर से ये निर्देश दिया गया है कि जितनी भी BJP की महिला नेत्री हैं या महिला कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे ऑटो ड्राइवर हो या नाविक हो या ऐसे लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, उनके साथ राखी का त्यौहार मनाएं या यूँ कहें कि उन्हें राखी बांधे। भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि BJP सबके साथ है और जो लोग अपने घरों से दूर, अपनी बहनों से दूर रहते हैं उनके साथ उनकी बहनें यानी कि BJP महिला मोर्चा की जो नेता है या नेत्री हैं वो कहीं ना कहीं साथ खड़ी है। इसके साथ ही चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। इस दिशा में भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में जिला स्तर की बात करें या राज्य स्तर की बात करें, सभी BJP की महिला नेत्रियों को, महिला कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो कहीं ना कहीं राखी का त्यौहार इन लोगों के साथ मनाए। उत्तर प्रदेश घोसी उपचुनाव कहीं ना कहीं INDIA और NDA के बीच अब एक रण का मैदान बनता हुआ नजर आने लगा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ लगातार घोसी में अपने प्रत्याशी दास सिंह चौहान, जो कि पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, को प्रत्याशी बनाने के बाद लगातार उस रण को जीतने की कवायद करती नजर आ रही है। वो एक बात करेंगे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जो कि INDA को यहां से माननीय उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें उन्होंने सारे अपने विपक्षी दलों से एक होने की बात भी कही है। हाल ही कई कांग्रेस ने उनको खुला समर्थन भी दिया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से घोसी विधानसभा का जो चुनाव है उसमें रण की रणनीति क्या बनती है। हालांकि आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की घोसी उपचुनाव में दास सिंह चौहान के लिए मत मांगते नजर आएंगे, तो वहीं अखिलेश यादव कल हुंकार भरते नजर आएंगे घोसी के लिए। देखना होगा जब 8 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी तो घोसी का रण किसको विजय बनाता है। घोसी वो क्षेत्र है जहां उपचुनाव हो रहे हैं और पूरे प्रदेश की नजर घोसी पर है। बता देना चाहता हूं कि घोसी में अगर विकास की बात की जाए तो कल्पनाथ राय ने चीनी मिल दिया, BJP के गवर्नमेंट में लंबी लाइन बनाई गई, रेलवे लाइन, और ठीक घोसी बगल से बड़ी 4 लेन गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच। नेता अपनी अपनी डफली लेकर के तैयार हैं,
भाजपा की बात करें तो बड़े बड़े मंत्री अब गांव में वोटरों का भाव बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनकी कीमत अब बढ़ गई है। कीमत किस बात की? कभी वोटर ये नहीं समझता था कि हमारे गांव में मंत्री जी आएंगे, कभी प्रधान ये नहीं सोचता था कि हमारे गांव में शिवपाल यादव आएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी ताकत राम गोपाल यादव हों, शिवपाल यादव हों या फिर सपा की बड़ी हस्ती हो, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं पे एके शर्मा सहित डिप्टी सीएम भी दौरे पे आ थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। ओबीसी से लेकर के एससी तक साधने का निशाना भाजपा का चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक तीसरे मोर्चे की तरफ दखल करने जा रही है, यानी साफ है कि अंदर ही खाने में मंथन चल रहा है तेज, यानी कि हो सकता है तीसरे मोर्चे का गठन, यानी कि इंडिया और एनडीए के साथ बसपा सुप्रीमो ना जाकर के अकेला चलो अभियान के तहत काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या अंदर खाने की जो मंथन चल रहा है उससे लगता है कि जिस तरीके से तीसरे मोर्चे की तरफ दखल करने वाली है, यानी साफ है कि तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो कौन से समीकरण के साथ में बसपा सुप्रीमो मायावती लड़ेंगी और अपनी पार्टी में किसको किसको रखेंगी, साफ है कि इस संगठन के लिए तैयार होंगी कि नहीं होंगी, ये भी सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन साफ है कि जो अंदर खाने में जो बातें चल रही हैं उससे लग रहा है कि तीसरे मोर्चे की तरफ देखने वाली हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती एक तीसरे मोर्चे की तरफ महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में होनी है। इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, साथ ही साथ मदरसों को लेकर के चर्चा होगी कि मदरसों का भविष्य उत्तर प्रदेश में कैसा होगा। इसके अलावा 2500 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता तो प्राप्त है लेकिन अभी तक पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। आज इस बैठक में इन पर चर्चा हो सकती है, उसके बाद इन 2500 मदरसों को पोर्टल पर जगह मिल सकती है निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे बहुत तेजी के साथ पनप रहे थे, जिन पर सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने उनको बंद करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर जो मदरसे वैध थे, जो सरकारी मान्यता प्राप्त थे, उनमें सुविधाएं बढ़ाने को लेकर के लगातार सरकार काम भी कर रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली विभाग के कुछ नियमों में बदलाव किया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता था कि जब उपभोक्ता नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते थे तो जेई और एसडीओ लेवल से उन कनेक्शनों को निरस्त कर दिया जाता था। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए, नए बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन समय पर दिया जा सके, उसको लेकर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जेई और एसडीओ स्तर से कनेक्शन निरस्त किए जाते थे, अब वो कनेक्शन जेई और एसडीओ निरस्त नहीं कर पाएंगे, इसकी जिम्मेदारी एक्सियन को दी गई है। एक्सियन जांच करेगा, जांच करने के बाद अगर सारे नियम सही पाए जाएंगे उसके बाद उपभोक्ता को कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर का मामला आज कोर्ट सुना सकती है फैसला। काफी दिनों से एमपी एमएलए कोर्ट में बहस चल रहा था, जो बाहुबली मुख्तार अंसारी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। करंदा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी 2009 में और गैंग चार्ट बना था। काफी दिनों से एमपी एमएलए कोर्ट में बहस चल रहा था। 17 मई को मुख्तार अंसारी दोष मुक्त हो चुके थे कपिल देव सिंह की हत्या में। फिर मीर हसन नाम के व्यक्ति में 2011 में मुख्तार अंसारी भी उसमें हो चुके थे दोष मुक्त। देखना यह है कि आज न्यायालय में उनको बाइज्जत बरी किया जाता है या उनको सजा मिलती है। सावन माह के पवित्र आखिरी सोमवार है तो कहीं ना कहीं अगर आगरा की बात करें तो आगरा से लेकर देहात के तमाम जो शिवालय हैं वो हर हर महादेव के गुलजार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगरा के समसाबाद की बात करें तो समसाबाद में भी एक सप्तकोसी परिक्रमा का आयोजन किया जाता है, जो इस बार भी देर रात समसाबाद के थानेश्वर मंदिर से उसका उद्घाटन किया गया था। आपको बताते चले कि समसाबाद जो चेयरमैन है ओम और उनके प्रतिनिधि अवनीशकांत गुप्ता के द्वारा फीता काट परिक्रमा का शुभारंभ किया, जो कि परिक्रमा में भारी संख्या में श्रद्धालु देखे गए जो हर हर महादेव के जयकारे करते हुए निकल रहे थे। कहीं ना कहीं जो परिक्रमा वाले श्रद्धालु थे उनका जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया था, जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया था, जिसके बाद तमाम जो मंदिर हैं वहां पर भक्तों द्वारा जल अभिषेक किया जा रहा है। इस समय बनखंडी महादेव मंदिर पर हम खड़े हुए हैं, जो 100 साल से पुराना मंदिर है, यहां भी भक्तों द्वारा जल अभिषेक कर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आगरा में भी एकदम जो सोमाखरी सोमवार है उसकी भी धूम देखने को मिल रही। सावन के महीने में खास तौर से शिव भक्तों की भीड़ शिव मंदिर में देखने को मिली है। आपको बता दें 2023 का सावन 2 महीने का रहा, अधिक मास होने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों ने रुद्राभिषेक और शिव स्तुति करते शिव मंदिर में नजर आए। सावन की आखिरी सोमवार आज
भक्तों की भीड़ शिव मंदिर में देखने को मिल रही है और लोगों ने शिव से यही प्रार्थना किया कि कोरोना जैसी भयावह बीमारी अब हमारे देश में हमारे लोगों तक न पहुंचे। भय दुख रोग मुक्त करने वाले हैं, हे प्रभु हमारे समाज को सुदृढ़ सुखमय बनाए रख। हमीरपुर जिले के प्राचीन शिव मंदिर सावन के अंतिम सोमवार को सुबह से ही भक्तों की मंदिरों में भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही। आखिरी सोमवार होने के कारण सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों का पूजन करने को लेकर के रुद्र अभिषेक और जल अभिषेक करने को लेकर के लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़े व महिला तक लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। देवघर में बाबा का दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। सारी विधि व्यवस्थाएं जो है झारखंड सरकार की तरफ से दी जाती है। हालाँकि कहा जाता है कि बाबा का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि दो मास पड़ा इस बार दो मास महीने के चलते करीब 8 सोमवार दो महीने में पड़ा, जिसके चलते लगातार लोगों का जो भीड़ रहा बढ़ता गया, इसलिए कि सावन महीना लगातार जो दो महीने जो रहा जिससे लोग भी शांतिपूर्ण आकर बाबा का दर्शन कर गए। हालांकि कहा जाता है देवघर में आए और मनोकामना मांगे तो वो जरूर पूरा होता है। सावन का आज आखिरी सोमवार है, भक्तगणों की भीड़ मंदिरों में और पड़ी है बाबा शिव के दर्शन के लिए। आपको बताते चले कि इस बार सावन के 8 सोमवार पड़े थे, इसमें आज आखिरी सोमवार है, जिसको दर्शन के लिए आनंदेश्वर मंदिर के बाहर देर रात से ही भक्तगण लाइन पर लग गए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उनकी बारी आएगी और वो बाबा शिव के दर्शन करेंगे। जलाभिषेक, गुल चढ़ाकर, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का काम करेंगे, जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, CCTV कैमरे से नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद ही भक्तगणों को मंदिर में प्रवेश करने दिया, जिससे कि वह दर्शन कर सके और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके। ऐसे में महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन बनाई गई है, जिससे कि दर्शन करने किसी तरह की कोई व्यवधान आए और ना कोई अव्यवस्था फैल सके। इसके साथ ही दर्शन के बाद उनको बाहर निकलने का दूसरा रास्ता बनाया गया, जिससे कि एक साथ भीड़ ना बन सके और ना ही कोई विवाद उत्पन्न हो सके। सबसे बड़ी बात है कि लगातार सावन का आखिरी सोमवार को देखते हुए भक्तगण लाइन लगाए हुए हैं, जो बाबा शिव के उद्बोध के साथ मंदिर में प्रवेश कर दर्शन कर रहे हैं। सावन का आज आखिरी सोमवार है, भक्तगणों की भीड़ मंदिरों में और पड़ी है बाबा शिव के दर्शन के लिए। आपको बताते चले कि इस बार सावन के 8 सोमवार पड़े थे, इसमें आज आखिरी सोमवार है, जिसको दर्शन के लिए आनंदेश्वर मंदिर के बाहर देर रात से ही भक्तगण लाइन पर लग गए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उनकी बारी आएगी और वो बाबा शिव के दर्शन करेंगे। जलाभिषेक, गुल चढ़ाकर, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का काम करेंगे, जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, CCTV कैमरे से नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद ही भक्तगणों को मंदिर में प्रवेश करने दिया, जिससे कि वह दर्शन कर सके और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके। ऐसे में महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन बनाई गई है, जिससे कि दर्शन करने किसी तरह की कोई व्यवधान आए और ना कोई अव्यवस्था फैल सके। इसके साथ ही दर्शन के बाद उनको बाहर निकलने का दूसरा रास्ता बनाया गया, जिससे कि एक साथ भीड़ ना बन सके और ना ही कोई विवाद उत्पन्न हो सके। सबसे बड़ी बात है कि लगातार सावन का आखिरी सोमवार को देखते हुए भक्तगण लाइन लगाए हुए हैं, जो बाबा शिव के उद्बोध के साथ मंदिर में प्रवेश कर दर्शन कर रहे हैं। सावन का आज आखिरी सोमवार है। आगरा में कैंट के पास में लगातार चोरियां, रेलवे विभाग की चोरियां हो रही थी, जहां साइड में लगे हुए सिंगल तारों को चोर काट कर ले जा रहे थे, जिसमें RPF पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां CCTV फुटेज की मदद से 3 सातिर चोरों को पकड़ा है जो कि किशोर हैं। इन्हें कड़ी पूछताछ के बाद में उनसे कटर प्लास और चोरी का सामान बरामद हुआ है। RPF पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है आगरा के अंदर, जहां कैंट पर लगातार चोरियां हो रही थी, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया सातिर। ट्रेन की चपेट में आने से 32 वर्षीय युवक की हुई दर्दनाक मौत, वहीं परिजनों में मचा कोहराम। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जी हां, हम आपको बता दें, ये पूरा मामला जायस कोतवाली क्षेत्र के जायस कस्बे का है, जहां पर मजदूरों को लेकर जा रहे 32 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। वहीं युवक की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया और मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रेन की बागपत जनपद के बिनोली थाना क्षेत्र शेखपुरा गांव के अंदर प्रधान पति की दबंगई का मामला सामने आया है।
प्रधानपति नूर हसन ने गांव की सरकारी जमीन को कब्जाने का मामला सामने आ रहा है। वहीं पर गांव के एक समाजसेवी जनेश्वर ने इस पूरे मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पर प्रधानपति ने जो जनेश्वर है उसे समझौते के लिए कहा है, लेकिन अभी तक जो समझौता है वे समझौता नहीं किया गया है और जनेश्वर को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, लेकिन जनेश्वर ने यह पूरा मामला आला अधिकारियों के सामने रखा है, जिससे जनेश्वर पूरी तरह से भयभीत है और गांव के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। अब देखना है कि जो आला अधिकारी है इस पूरे मामले पर कब संज्ञान लेते हैं। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में फिर गुलदार के हमले से हुई महिला की दर्दनाक मौत। जी हाँ, आपको बता दें, चैनल लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो गए गुलदार बिजनौर में हमले इस प्रकार कर रहा है कि अब तक अगर बात की जाए 14 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अगर बात की जाए घायलों की तो कई दर्जन लोग घायल अब तक गुलदार अपने हमले से कर चुका है। बात की जाए वन विभाग की तो वन विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है और कहीं ना कहीं गुलदार को पकड़ भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस बात से नाराज नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि इन 2 गुलदार जो नरबख्शी बताए जा रहे थे उन्हें मारा क्यों नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं नरबख्शी मारने के आदेश तो हो गए लेकिन उसका पालन बिजनौर में नज़र नहीं आ रहा। किसानों का कहना है अगर अब वन विभाग नहीं माना तो अब धरना प्रदर्शन लगातार रोड जाम किए जाएंगे जब तक गुलदार नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि अगर बात की जाए लगातार 14 मौतों हो चुकी हैं अब तक और जो ज़्यादा मौतें हैं वो किसानों की हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे वो जेंट्स हैं, वो अपने जंगल जाती हैं पशु के लिए चारा लेने, इसी बात को लेकर गुलदार अटैक करता है और मौत के घाट उतार देता है। लगातार वन विभाग प्रयास भी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भी नहीं कह सकते लापरवाही है, लेकिन खूंखार गुलदार वन विभाग के कब्जे में नहीं आ रहा है। फिलहाल वन विभाग भी प्रयास कर रहा है और किसानों का कहना है हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर बात की जाए बिजनौर प्रशासन की तो बिजनौर प्रशासन का कहना है अब हम ड्रोन ज़्यादा पिंजरे और शायद अब ऐसा ऑर्डर लाएं कि जो गुलदार है नरबख्शी उसको मारने के ऑर्डर हो जाए और जो शूटर हैं बिजनौर के अंदर उन्हें आदेश दिए जाएँ कि तत्काल प्रभाव इन गुलदारों को मारा। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो लगातार खाकी को चुनौती देकर और घटना को अंजाम देते हुए रफू चक्कर हो जाते हैं। ताज़ा मामला डलमऊ थाना क्षेत्र का है, जहां सराफा व्यवसायी से 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया और वहीं पहले उसके सर पर वार किया, फिर उसके मुंह पर वार किया और पीठ में गोली मारकर सराफा व्यवसायी से झोला छीन कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर सराफा व्यवसायी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डलमऊ पहुंचाया, जहां से उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार बदमाशों को जिस तरह से हर घटना को अंजाम दे के रफू चक्कर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से खाकी को कड़ी चुनौती ज़रूर मिल रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और इन बदमाशों को कब तक गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। विभाग ने जंगलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट किया है जो शराब बनाने के काम में आता है। निरीक्षक सरफराज हुसैन ने बिलासपुर क्षेत्र के वनों में जंगलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर लहन बरामद किया और उसको वहीं जंगलों में नष्ट किया जो शराब बनाने के काम में आता था। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंपा मच गया है और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अवैध कच्ची शराब का जो कारोबार था वो ज़्यादा फल फूल रहा था, जिसके खिलाफ आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद हड़कंप सा मचा रहा, जिस तरह से उन्होंने वनों के अंदर जंगलों में जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उससे लगता है कि जो इसके तस्कर थे वो ज़रूर परेशान हुए होंगे और उनके अंदर हड़कंप मचा होगा, क्योंकि इस बड़ी कार्रवाई से लगातार सवालिया निशान ये लग रहे थे कि ये कच्ची शराब आखिर कहाँ से आ रही है।